मध्य प्रदेश लगातार कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए 1140 केस सामने आए हैं। अब तक करीब 556 मरीज रिकवर भी हुए हैं, वहीं 7 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में कोरोना के 309 तो भोपाल में 272 नए केसों की पुष्टि हुई है। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 97 केसेस सामने आए हैं। ग्वालियर में 39 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं उज्जैन में 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो एक तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हर रोज बढ़ती नजर आ रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। वासु, आपसे जानना चाहेंगे कि अब संक्रमण तो फैल चुका है, फिर से एक बार कोरोना की वेव प्रदेश में देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से सरकार प्रशासन अलर्ट है, निर्देश जारी हो रहे हैं, क्या लगता है आपको संडे को लग रहे लॉकडाउन से कोरोना के मामले में कमी आएगी? बिल्कुल शुभांगी, देखिए आपने ठीक कहा, मध्य प्रदेश में लगातार कोविड-19 फैल रहा है, और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड-19 की एक नई वेव देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सभी राज्यों की जो सरकारें हैं वो अलर्ट पे हैं, और मध्य प्रदेश में भी जो शासन प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगातार जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। भोपाल से पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की जो बैठकें हैं वो चल रही हैं पूरे प्रदेश में, सख्ती के साथ तमाम सारी जो गाइडलाइंस हैं उनके पालन कराने की हिदायत वल्लभ भवन मंत्रालय से दे दी गई है। मास्क पहनने अनिवार्य है सार्वजनिक जगहों पर, इसके अलावा सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम जो उपाय हैं इनका जो सुझाव है वो लगातार दिया जा रहा है। ICMR की ओर से नई गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी हैं, 21 गाइडलाइंस जो हैं, 21 पॉइंट्स हैं जो हैं नई गाइडलाइंस में वो जारी कर दिए गए हैं। और वहीं अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं मरीजों के इलाज के लिए उनको भी विशेष तौर पर बढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके की जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उनसे आसानी से निपटा जा सके। विशेष तौर पर वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी जो व्यवस्था है वो पर्याप्त हो सके, ये मध्य प्रदेश के अस्पतालों में सुनिश्चित किया जा रहा है शुभांगी। और उम्मीद यही है कि लोग अब लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ा है, तो एक्सपर्ट एनालिसिस यही कहता है कि जिस तरीके से बीते 2 से 3 महीने पहले की अगर हम बात करें तो कोविड-19 का जो संक्रमण था उसमें थोड़ी गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन उस दौरान लोगों ने जबरदस्त लापरवाही की, बड़े आयोजन हुए, बड़े आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, लोग जो तमाम गाइडलाइंस थे उनको लोगों ने ताक पर रख दिया, तो जिसका जो परिणाम है वो अब हम भुगत रहे हैं। ज़रूरत है अब कि रैपिड टेस्टिंग कराई जाए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, लोग जागरूक रहें और जागरूकता के साथ कोविड-19 से लड़ाई करें, ताकि एक बार फिर हम इस पूरे संक्रमण को काबू में करने में सफल रह सकें। शुभांगी, बिल्कुल वासु, कोशिश यही रहेगी कि किसी न किसी तरह जल्द से जल्द संक्रमण को रोकने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में लगातार रफ्तार बढ़ रही है, और अब सरकार चाहती है कि संक्रमण पर कंट्रोल पाया जाए, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिससे चिंताजनक जो सिचुएशन है वो बनी हुई है।